हेलो स्टूडेंट्स, इट इज विनोद आचार्य। लास्ट टाइम हमने टूलाम ला के बारे में पढ़ा था और टूलाम ला ने दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड आता है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, वो हमें बताया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारा आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से पहले हमें जो बातें, जो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, पहली बात तो हमें ये पता, पहले ही पता हमें, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बट कूलम लॉ जो हमने अब तक पढ़ा है, दो पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 और उनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस इज Q1, Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। देन व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? दैट्स व्हाई वी नीड कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सिंपल कूलम्स लॉ से हमें फोर्स ऑफ दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड तो पता चल रहा है, पर उसकी डायरेक्शन पता नहीं चली। इसीलिए हम उसकी डायरेक्शन के लिए कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं। पहली बात हमारे पास ये हुई कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। दूसरा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेज ये होता है। तीसरे, वेक्टर अलजेब्रा का जो आपने मैथमेटिक्स में आप पढ़ रहे हैं उसमें देखिए आप कि यहाँ हमारे पास एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है हमारा, ध्यान से देखिए। और इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच की जो दूरी है वो है आर, द सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स इज आर। अब इस आर को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर हमने देखना है। अब पोजीशन वेक्टर एक यहाँ मैंने नाम नेमिंग कर दी एंटी, ये हमारा पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है। जब पोजीशन वेक्टर की टर्म में हम इसको लेते हैं तो हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा यूज होता है, जो ये कहता है कि आप इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो आर है। अब जब पोजीशन वेक्टर मीन्स, वेक्टर मीन्स डायरेक्शन, अब वो कहता है कि यदि आप इस पॉइंट टू से और पॉइंट वन की तरफ जाओ रे ऐसे, तो आपका जो पोजीशन वेक्टर हो रहा, जो इनके बीच की जो डिस्टेंस हो रही वो हमारी आर वन टू वेक्टर से के बराबर होगी। दूसरा, यदि आप इसी डिस्टेंस को पॉइंट वन से और टू की तरफ जाओगे तब जो डिस्टेंस इनके बराबर हो रही वो हो रही आर टू वन वेक्टर्स। ये देखिए दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। यदि हम टू पॉइंट से वन की तरफ जाते हैं तो पोजीशन वेक्टर की टर्म में जो सेपरेशन हो रहा दो पॉइंट्स के बीच में वो आर वन टू है। यदि हम पहले पॉइंट से दूसरे की तरफ जाते हैं वो आर टू वन है। और दूसरा एक बात हमें ये भी पता है कि ये और ये तीनों बराबर है। आर वन टू का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब हमने फिजिक्स में भी पढ़े हैं ना, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, एंड दैट इज इक्वल टू आर टू वन। इट मीन्स द सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स इज आर। जब हम यही डिस्टेंस वन से टू की तरफ कंसिडर करेंगे उतनी डिस्टेंस तब वो आर टू वन वैक्टर से डिनोट हो रही, और यदि यही डिस्टेंस हम टू से वन की तरफ जाएंगे तो वो आर वन टू हो रहा। दूसरा, पहले फोर्स ये है, उसके बाद ये हो रहा, उसके बाद ये, एक बात और हमें चाहिए कि कोई भी वेक्टर जब भी डिनोट हो रहा इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट वेक्टर, एज वेल एज यूनिट वेक्टर। इट मीन्स कि आर वन टू वेक्टर जो है हमारा, जिसके पास
मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा, आर वन टू और आर टू वन सब का मैग्नीट्यूड तो आर ही है, आर ही है यस। और यूनिट वेक्टर हो रहा है हमारा आर वन टू, ये यूनिट वेक्टर की टैप होती है। ये देखिए किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है ये यहाँ इसका मैग्नीट्यूड है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और जो यूनिट वेक्टर है ये इस वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो हमने देखा आर वन टू, इट मीन्स आर वन टू का भी एक यूनिट वेक्टर होगा और आर टू वन का भी एक यूनिट वेक्टर होगा। सिमिलरली यदि हम देखें आर टू वन वैक्टर इज डिनोटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ आर टू वन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर टू वन इज आर, आर इंटू आर टू वन यूनिट वैक्टर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर वन टू का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो ऐसे लिखते हैं ना, और आर वन टू, अब ये तो आर के बराबर है इसलिए इसको मैंने आर लिखा हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम आर टू वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू सिंपल आर एंड आर टू वन यूनिट वेक्टर्स। अब हम चलते हैं कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म, ये इट बेसिक्स है हमारे जो हमें इनकी इसमें जरूरत रहती है। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा ये कहता है कि दो पॉइंट्स के बीच का जितना डिस्टेंस है, यदि आप पहले पॉइंट से दूसरे की तरफ जाओ रहे या दूसरे से पहले की तरफ जाओ रहे, डिस्टेंस तो वही रहेगा पर उनको रिप्रेजेंट करने का जो वे है वो डिफरेंट हो जाएगा, उनमें वेक्टर इंक्लूड हो जाएगा, डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगी। एक बार वो डायरेक्शन वन से टू की तरफ हो रही, दूसरी बार वो डायरेक्शन टू से वन की तरफ हो रही। चलो अब लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अब कूलम्ब्स लॉ में दो पॉइंट चार्ज लेते हैं हम क्यू वन क्यू टू एट पॉइंट ए पॉइंट बी। लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू ऑफ द सेम नेचर। लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू of same nature placed in vacuum the separation between the charges is और हमने मान लिया कि दोनों सेम नेचर के हैं, सेम नेचर सेम चार्जेस, इलेक्ट्रॉन थ्योरी रहती है, दोनों पे क्या हो रहा रिपल्सन हो रहा, इट मींस ये वाला जो चार्ज है ये इस पर फोर्स ऐसे लगाएगा और इस चार्ज पे पहला जो फोर्स है वो ऐसे लगाएगा। मैंने इनको डिनोट किया है, इस फोर्स को हमने बना दिया एफ वन टू, फोर्स ऑन एफ वन टू, फोर्स ऑन चार्ज क्यू वन ड्यू टू क्यू टू एंड एफ टू वन फोर्स ऑन चार्ज क्यू टू ड्यू टू क्यू वन। यस इफ दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, यस यहां एक यूनिट वेक्टर हो रहा, यह हमारा पॉइंट वन है और इसको मैंने बना दिया आर वन टू और इधर हमने इसको बना दिया आर टू वन। अब ये देखिए
आर वन टू इसके ऊपर टैप लगी हुई है ना, इट मीन्स आर वन टू वैक्टर है यहाँ जो इन दो नोटे सेपरेशन। आप देखिए वही कंसेप्ट जो यहाँ आर है, जब यही डिस्टेंस आर वन टू, आर वन टू वैक्टर भी है यही सेपरेशन, और यही सेपरेशन आर टू वन भी है, यही सेपरेशन आर टू वन भी है। सेपरेशन तीन तरह से सेपरेशन हुई हमारी, एक तो रियल सेपरेशन, एक वेक्टर से सेपरेशन हुई है हमारी, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। यस, आर वन टू की जो डायरेक्शन है वो क्यू टू से क्यू वन की तरफ है, और आर टू वन की डायरेक्शन है क्यू वन से क्यू टू की तरफ। तो हमने अपना पोजीशन वेक्टर मानना है आर वन इज, आर वन टू इज द पोजीशन वेक्टर्स टुवर्ड्स क्यू वन फ्रॉम क्यू टू, आर टू वन इज द पोजिशन वेक्टर टुवर्ड्स क्यू टू फ्रॉम क्यू वन, फ्रॉम क्यू फोर्स एट्स अलोन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस Yes. According to Coulomb's law, F12 force on charge 1, F12 अब की बार direction भी आई है, that is J Q1 Q2 divide by separation between them, that is R square, और साथ में F12 के साथ जो हमने direction ली है वो क्या ली है, R12 unit vector। देखिए जो F12 force है वो इधर है, और इधर ही हमने R12 की direction को denote किया हुआ है। कुछ books में ये टर्म है अपोजिट भी ली हुई है, उसने एफ आर वन टू की डायरेक्शन को इस साइड लिया हुआ। यदि चीजें समझ आ जाती हैं तो यस यू विल इजीली रीड देम आल्सो, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अपनी टर्म देखनी है कि हमने किस डायरेक्शन में लिया है, हमने आर वन टू को एफ वन टू की ही डायरेक्शन में लिया हुआ है। सिमिलरली F21 is equal to K Q1 Q2 R square into R21, R21 ये क्या है, यूनिट वेक्टर है जो तीसरी डायरेक्शन दिखा रहा है F12 की, R21 यूनिट वेक्टर है जो तीसरी डायरेक्शन दिखा रहा है F21। आल्सो वी हैव, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, आर वन टू यूनिट वेक्टर इज, दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, इट मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड वन है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए क्या हो रहा है, आर वन टू इज इक्वल टू आर टू वन माइनस, आर टू वन माइनस। देन वी हैव एफ वन टू के Q1
Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, जहां R12 है वहां मैंने पुट दिया R21 माइनस, एंड देन वी हैव माइनस जे Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर, एंड व्हाट इज दिस, इट इज F21, इट मीन्स F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, इट मीन्स बोथ फोर्सेज आर इक्वल एंड इक्वल एंड अपोजिट। ऐसा ही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हुआ था, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, इट मीन्स कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉलो Newton's third law of motion. Also, we know one thing, also a vector R12 vector is equal to magnitude of R12, yes, and R12 unit vector, yes. A vector is represented by the product of its magnitude as well as its unit vectors. And what is the magnitude of R21? R21 ka magnitude R12 इसका मैग्नीट्यूड, एंड दैट इज इक्वल टू आर, इट मीन्स आर इज देयर एंड आर वन टू बोथ आर द डिफरेंट थिंग, R12 इज वेक्टर हियर, R12 इज यूनिट वेक्टर, इट मीन्स R12 इज डिनोटेड बाय आर डिवाइड बाय R12 की वैल्यू कितनी हुई, R12 वेक्टर डिवाइड बाय आर, वी कैन रिप्लेस इट इन आवर एक्सप्रेशन, हमारा एक्सप्रेशन क्या था, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इनटू R21, इट इज एक्सप्रेशन नंबर 1, F21 एक्सप्रेशन नंबर 2, एंड देन वी हैव F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और यहां हमारे पास क्या आया, R12 यूनिट वेक्टर रीजर है, वेक्टर आ गया और डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एंड देन वी हैव F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R³ इनटू R12 वेक्टर्स, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वैक्टर, इट इज इन टर्म्स ऑफ यूनिट वैक्टर, यस कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ यूनिट वैक्टर, एंड इट इज कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वैक्टर्स, एंड नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, वी हैव टू लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, द फर्स्ट वन, द चार्जेस शुड बी लिमिटेशंस, charges
should be at rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉ है, चार्जेज एट रेस्ट, चार्जेज रेस्ट पे होने चाहिए. एंड द सेकंड वन इज चार्जेज शुड बी पॉइंट इन साइज, चार्जेज शुड बी पॉइंट इन साइज, पॉइंट इन साइज. एंड टुडे हमने पढ़ा कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ. तो प्यारे बच्चों, इन दोनों ही चीज़ें हमारे लिए जो कंसेप्ट हैं, हमारे ये आज के टॉपिक हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपने पढ़ लेना है. ओके.